क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। प्यासी ज्वेलर्स शोरूम, सभी प्रकार के सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। पता, टंडन बिल्डिंग, सराफा बाजार, दमोह। आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स, सुजुकी शोरूम, किला इलाका, बालाकोट रोड, दमोह। कोई भी वाहन खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। दमोह जिले के बहुउद्देशीय सिंचाई एवं पेयजल परियोजना सद्धरू का आज केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने निरीक्षण किया। यहां पहुंचकर उन्होंने जहां अधिकारियों से चर्चा की, वहीं कार्य की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना था कि वो दिन दूर नहीं जब दमोह पंजाब से कम नहीं होगा। हम पानी और बिजली उन्हें देंगे तो जिले के हालात बदल जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2021 तक बांध का काम पूरा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री का कहना था कि यह सिंचाई परियोजना जिले की तस्वीर बदल देगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसान हितैषी योजनाओं का परिणाम है। जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ा है और खेतों में, मंडियों में बड़ी तादाद में अनाज लेकर किसान आ रहे हैं। प्रहलाद पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया कि उन्होंने इस परियोजना को स्वीकृति दी। उन्होंने सतधरू योजना को जानकारी बढ़ाने वाली योजना बताया। उन्होंने कहा कि तकनीकी बातें आने वाली जनरेशन को भी समझना चाहिए कि एक तरफ आप ग्रेविटी से पानी पहुंचा रहे हैं और दूसरी तरफ लिफ्ट के माध्यम से भी सैकड़ों मीटर तक पानी पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे कम लागत का बांध सतधरू परियोजना ही है। निरीक्षण के दौरान सांसद प्रतिनिधि आलोक गोस्वामी, एसडीएम गगन बिसेन, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन श्री जाटव और जल निगम के महाप्रबंधक श्री जैन के साथ बड़ी संख्या में अधिकारी और नागरिक मौजूद रहे। ने सद्धरू जब मैं सांसद बनकर आया था तो ये ठंडे बस्ते में थी, तब हमने शुरुआत की। ये बात सही है, मैं मानता हूँ ये सबसे अच्छी साइट है जो सबसे पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि कभी अगर दमोह में भी जल का संकट हो तो कोई अगर बेहतर पावर स्टेशन हो सकता है तो वो सद्धरू हो सकता है। और मुझे लगता है कि हमें दूर तक देखकर चलना चाहिए, आने वाले 50-100 वर्षों तक। ये सिंचाई का भी प्रबंध करेगा और पीने के पानी का भी। मैं प्रधानमंत्री जी का जरूर आभार व्यक्त करूंगा कि वहाँ बैठकर देश के एक परिवार के बारे में भी विचार हो सकता है और वो मूर्त रूप ले सकता है। ये जानकारी मेरे लिए भी नई है कि 200 मीटर पानी अपलिफ्ट करके तेंदुखेड़ा के उस हिस्से में दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी की ये चीज़ें भी आने वाली जनरेशन को समझनी चाहिए कि एक तरफ आप ग्रेविटी से पानी पहुंचा रहे हैं और दूसरी तरफ जब आप लिफ्ट करने की बात करते हैं तो आप सैकड़ों मीटर भी पानी को लिफ्ट कर सकते हैं। तो सद्धरू इस मामले में जानकारी बढ़ाने वाली योजना भी है, सिर्फ लोगों को लाभ नहीं देगी बल्कि मैं समझता हूँ कि तकनीकी रूप से जो जानकारियाँ बढ़नी चाहिए आने वाली जनरेशन, उसके दृष्टि से भी महत्वपूर्ण। कुछ परमिशनों को लेकर भी समस्या आई थी? नहीं, एक मामूली सी एक बची हुई थी। तो मैंने जब वन पर्यावरण मंत्री जी को पत्र लिखा था, वो पत्र उनका आ भी गया है और मैं विश्वास करता हूँ कि इस हफ्ते भर में लगभग चीज़ें साफ हो जाएंगी। बाकी सबसे कम लागत का सबसे अच्छा बांध शायद सतरू ही होगा। कब तक कम्प्लीट होगा? अगले वर्ष हमने टाइम लाइन रखी है जून की, तो मुझे लगता है उसके बाद बीच में भी वो रिव्यू होगा। समय पर चीज़ें चल रही हैं, ये खुशी की बात है। कुछ काम है जो टंकी के जो कोरोना के कारण प्रभावित हुए हैं तो उनको जो समय सीमा उनको वो एक बार तय करेंगे उसके आधार पर ही होना चाहिए ताकि अनावश्यक आलोचना ना हो, इससे बचना चाहिए। मॉडर्न हब, ब्रांडेड हॉजरी शॉप महिला पुरुष एवं बच्चों के लिए, जहाँ पर आपको मिलेंगे नाइट सूट, लोअर, टी शर्ट, अंडर गारमेंट्स, डबल गाउन, सभी ब्रांड के उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें कैलाश भंडार के बाजू से, सिनेमा रोड, दमोह। महिंद्रा गाड़ियों के पार्ट्स
व सर्विस के लिए अधिकृत कमल मोटर्स, बड़ी देवी मंदिर रोड, ओवरब्रिज के पास, दमोह। एक बार सेवा का अवसर दें। फोन 3099611109। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत सभी व्याधियों की उत्कृष्ट दवाइयां कम मूल्य पर प्राप्त करें। रोटरी क्लब द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ATM के पास, सरकारी अस्पताल चौक, दमोह।